हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है, सफलता की कुंजी। अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा 6 नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स अपडेट्स है फॉर यस बैंक, SSC, RRBI, अदर गवर्नमेंट एग्जाम 2020 एंड 2021 के लिए। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया वो देख लेते हैं। सुबह के 8 बजे करंट अफेयर्स, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री के सारे लेक्चर प्लेलिस्ट पर रखे हुए, आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। बैंकिंग डेमो क्लास इंग्लिश में गौतम सर लेने वाले हैं। 10 नवंबर 2020 को ये पहली डेमो होगी, इसके बाद आपको पता चलेगा बाकी अदर जो GI और मैथ की डेमो कब होगी। तो 10 तारीख को आप अटेंड करना ना भूले, बैंकिंग का डेमो क्लास। एग्जाम के बाद सेशन 5 जून से कंटिन्यू चल रहा था, ये सारे वीडियोस आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हेल्पफुल होंगे, और हमारे जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं मैक्सिमम एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड 100% टैक्स एग्जेम्पशन फॉर ई व्हीकल्स। किस राज्य ने ई वाहनों के लिए 100% कर छूट की घोषणा की है? दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना या महाराष्ट्र? ये आने वाले एग्जाम के लिए मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 100% टैक्स छूट दी जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु में। हु हैज बीन कन्फर्ड द ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी बाय प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी? राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? PM नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, CDS जनरल बिपिन रावत, इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरावने? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरावने। Who has become the fourth tennis players to record 1000 match wins in the Open era? Open era में 1000 मैच मतलब 1000 मैच जीत दर्ज करने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? नवक डिजेकोविक, डोमिनिक थेम, एंडी मुर्रे या रफेल नडाल? तो इसका करेक्ट आंसर है रफेल नडाल। Which state or UTs has become the second one of to ban firecracker after Rajasthan? राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दूसरा बन गया है? दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। द पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड हैज अनाउंस हाउ मच इन्वेस्टमेंट इन रियल रिलायंस रिटेल। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने घोषणा की है कि रिलायंस रिटेल में कितना निवेश होगा? 9,555 करोड़, 6,500, 7,500 या 8,200? तो इसका करेक्ट आंसर है 9,555 करोड़। गाइज, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूले। आगे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की भी मदद हो सके, और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। चाणक्य लाइव भी हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की क्लासेस फिर से शुरू कर दी जाएगी। इंग्लिश के मैथ की क्लासेस सुशांतो सर ले रहे हैं, सुमन सर इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं, मैं GK और GI की क्लासेस ले रहा हूँ, गौतम सर इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं, और इन्हीं की क्लास बैंक की डेमो क्लास है 10th को, 10 तारीख को, 10th जो 10 तारीख 10 नवंबर है, इन्हीं की डेमो क्लास आप देखेंगे। संकेत सर भी बैंक में डेमो क्लास लेने जा रहे हैं। अगर आप चिंशुरा से लेकर कुंडनगर एरिया में रह रहे हैं या बिलोंग कर रहे हैं तो आप मनीषा मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका कांटेक्ट नंबर ये रहा। ये हमारा टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल के अनुसार आप एडमिशन ले सकते हैं। वेन इज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5th नवंबर, 6th नवंबर, 7th नवंबर या 4th नवंबर? तो इसका करेक्ट आंसर है 5th नवंबर को। द नेवीज ऑफ विच टू नेशंस ज्वाइंटली लॉन्च कराट नेवल एक्सरसाइज ऑन नवंबर 4?
4 नवंबर को दिन किन दो देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कैरेट नौसेना अभ्यास शुरू किया है? इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश, बांग्लादेश यूएस या यूएस वियतनाम? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश यूएस। विच स्टेट हैज बिकम द सेकेंड वन अमोंग डिसेंटिंग स्टेट्स और यूटीज टू टेक अप सेंटर्स? ऑप्शंस टू बोरो 1.1 लाख करोड़ टू मीट जीएसटी कंपनसेशन शॉर्टफॉल। जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए असंतुष्ट राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? केरला, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू बैटिंग कोच ऑफ द न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम रिसेंटली? हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? लुकी ल्यूक रोंकी, ब्रेडन मिल मेकलू, मिशेल सेंटनर या कॉलिन मुनरो? तो इसका करेक्ट आंसर है ल्यूक रोंकी को। हु हैज स्टारर्ड इन द फेमस एक्ट्रेस रानी मुखर्जी फिल्म मेहंदी हुज स्टार हैज डाइड रिसेंटली? प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके किस को स्टार का हाल ही में निधन हो गया है? किस को स्टार का निधन हो गया है? शक्ति कपूर, फराह खान, प्रमोद मुथु या शशि शर्मा? तो इसका करेक्ट आंसर है फराज खान का। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर अ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व? मध्य प्रदेश के निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, स्क्रू टाइगर रिजर्व मतलब पेंच टाइगर रिजर्व, ये स्क्रू काट दीजिएगा, पेंच टाइगर रिजर्व है, PENCH, पेंच टाइगर रिजर्व या काना टाइगर रिजर्व? तो इसका करेक्ट आंसर है पन्ना टाइगर रिजर्व। हु अमोंग द फॉलोइंग होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन इलेक्शंस? निम्न में से किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप, जॉय बिडेन, कमला हैरिस या बराक ओबामा? तो इसका करेक्ट आंसर है जॉय बिडेन। हाउ मेनी प्रपोजल सबमिटेड बाय इंडियन इंडिया ऑन न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द फर्स्ट कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निशस्त्रीकरण पर भारत द्वारा किसने किसने प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है? 4, 1, 5 या 2? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 मतलब 2। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हाउ मेनी सिटीज इन इंडिया विल हैव वाटर क्राइसिस बाय द ईयर 2050? विश्व वन्यजीव कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा? 40, 50, 30 या 20? तो इसका करेक्ट आंसर है 30। द यूएस हैज रिसेंटली अप्रूव द सेल ऑफ यूएस $600 मिलियन आर्म्ड ड्रोन टू विच कंट्री? अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? इराक, ईरान, ताइवान या चाइना? तो इसका करेक्ट आंसर है ताइवान। सो गाइज, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अब हम बात करते हैं इनिशिएटिव के। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, या हम बात करने जा रहे हैं अपने वेबसाइट को लेकर। आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। क्लास के कुछ ही समय बाद मतलब 20-30 मिनट्स के अंदर आपको PDF यहाँ मिल जाएगी। अगर आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन है तो बता दिया जाए, टेलीग्राम में ये PDF आपको एक दिन बाद मिलेगी मतलब 7 नवंबर को मिलेगी। आज 6 नवंबर है, अगर आपको अभी चाहिए तो आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से। ये सारे ब्रांच इंचार्ज, आप जिस भी एरिया से बिलोंग कर रहे हैं आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेपाल में भी हमारा ब्रांच ओपन हो चुका है, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी कोन नगर से जो हमारे हिंद मोटर से लेकर लीलुआ के ब्रांच इंचार्ज भी बन चुके हैं। प्रीवियस डे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए तो उसके आंसर चेक कर लेते हैं। विच बैंक नेम एशिया सेफेस्ट बैंक फॉर 12th कंसेक्यूटिव ईयर? DBS बैंक। विच बैंक फर्स्ट बैंक टू गो लाइव ऑन RBI's अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क? इंडसइंड बैंक। हु वॉन स्पेशल प्राइज इन ग्लोबल आर्ट कॉम्पिटिशन? अंजूर मुस्तैन अली। प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट इज टू बी प्लेड
In which city? Indore. Which nation hosts 19th meeting of SCO, Ministers of Foreign Economic and Foreign Trade? India. तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल आपसे पूछे गए थे. अब बात करते हैं आज के टॉप 5 क्वेश्चन की, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है. हु अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? हु पार्टिसिपेटेड इन 10th इंडिया यूके इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल्स डायलॉग ऑन ग्लोबल रिस्पॉन्सेज टू कोरोना वायरस? हु लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? विच कंपनी हैज इंट्रोड्यूस द ग्रुप सेफ गार्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम विथ फ्री पे कार्ड? एंड लास्ट क्वेश्चन, जापान्स टू अचीव जीरो कार्बन इमिशन बाय विच ईयर? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देने की कोशिश करनी है. इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं आज. कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं, अमिताभ बच्चन के कोट है, चेंज इज द नेचर ऑफ लाइफ बट चैलेंज इज द फ्यूचर ऑफ लाइफ. सो चैलेंज द चेंजेस, नेवर चेंज द चैलेंज. ये सारे कोड भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको आपको अपने लाइफ में लाना चाहिए. अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि दूसरों की मदद हो सके. जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है. पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई. पीडीएफ को हमारे इस टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. अदरवाइज आप वेबसाइट को भी बिलोंग, हमारी वेबसाइट में भी जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपने अभी तक चाणक्य लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन. और एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज आपके जो नियरेस्ट ब्रांच इंचार्ज, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपने टेस्ट ऑफ नॉलेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ये होता है बेल आइकन. सो गाइज, मिलते हैं सुबह के 8 बजे करंट अफेयर्स के साथ.